कांग्रेस के जो नेता राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे, जो राम मंदिर के मुहूर्त की विश्लेषण कर रहे थे, उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे धर्मशास्त्रों के आधार पर, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार आज पंचक लग चुका है। आज रात 11:35 से पंचक शुरू हो गए और 18 जनवरी सुबह 3:33 तक पंचक रह गए। तो पंचकों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और पंचक में इस यात्रा को शुरू कराया जा रहा है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इस यात्रा पे भी अपनी कृपा बनाए और राहुल जी पे भी अपनी कृपा बनाए। कांग्रेस के नहीं, ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन 2024 का जो चुनाव है अगले 2-3 महीने में होने वाला है, मई में समापन होगा और यात्रा अप्रैल मार्च में समापन होगी, तो चुनाव से ठीक पहले यात्रा कितना फायदा देगा कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस में एक ऐसा धड़ा है जो गांधी परिवार को साइड करना चाहता है। प्रियंका जी को साइड कर दिया है, करने की कोशिश हो रही है। अब मुझे बताइए, प्रियंका गांधी इससे बड़ा कोई लोकप्रिय नेता है? लेकिन प्रियंका गांधी का जब वो पत्र जारी हुआ तो उनके आगे लिखा गया, प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। ये लिखने वाले कौन हैं? प्रियंका गांधी का अपमान नहीं तो क्या है ये? दूसरा, राहुल गांधी जी को दिन रात इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं कांग्रेस पार्टी पे। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पे एक खास किस्म के लोगों का कब्जा हो गया है, जो गांधी परिवार की जो पूंजी है उसे खत्म करना चाहता है। सर, कल इनकी वर्चुअल बैठक हुई, 28 पार्टियों में से 14 पार्टी ज्वाइन किया, ममता बनर्जी अखिलेश यादव ज्वाइन नहीं कर पाए और नीतीश कुमार ने कन्वीनर पद को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं, चुनाव के बाद देखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे प्रस्ताव है कि वो अध्यक्ष होने इस ब्लॉक के। देखिए, इंडिया गठबंधन के बहुत से हमारे सहयोगी, उनका निशाना भी बीजेपी कम है, गांधी परिवार ज्यादा है। ये सब के सब जो कवायद हो रही है, ये गांधी परिवार के खिलाफ हो रही है। ये गांधी परिवार को पॉलिटिक्स से बाहर करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि गांधी परिवार पर अपनी कृपा बनाए। एंटी हिंदू है क्या सच में कांग्रेस? एंटी हिंदू है कांग्रेस? वो पार्टी है जो महात्मा गांधी की पार्टी है, राजीव गांधी की पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। महात्मा गांधी की पार्टी हिंदू विरोधी हो ही नहीं सकती, राजीव गांधी की पार्टी हिंदू विरोधी हो ही नहीं सकती। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी का तो सपना था राम राज्य का, तो जिस महात्मा गांधी का सपना राम राज्य का हो, उस महात्मा गांधी की पार्टी हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? सर, अनंत कुमार बीजेपी के एमपी हैं कर्नाटक से, उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु हुई वो गौ हत्या के श्राप के कारण हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे बयान देने वाले नेताओं को सद्बुद्धि दे।